दोस्तों सैमसंग नोट सेवन में हुए ब्लास्ट के बाद में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने फर्म्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट उसके ऊपर जारी की कि क्यों सैमसंग नोट सेवन वो ब्लास्ट हो रहा था, क्या उसके अंदर क्या क्या कमियां थी। लोगों ने अलग अलग अपने अपनी राय जाहिर की, बट सैमसंग जो था वो बिल्कुल शांत था। उन्होंने कुछ नहीं बताया उसके बारे में। उन्होंने काफ़ी लंबा समय लिया है अपनी रिपोर्ट देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेज किए उसके ऊपर, और जो फाइनल उसका रिजल्ट था रिपोर्ट का कि सैमसंग नोट सेवन क्यों ब्लास्ट हो रहा था, वो उन्होंने अब जारी की है एक वीडियो के द्वारा। तो उन्होंने क्या क्या आगे के लिए सिक्योरिटी फीचर्स अपनाए हैं अपने डिवाइसेस के लिए, और क्या क्या उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि क्या कारण था अपने नोट सेवन के ब्लास्ट होने का, ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भनु और आप देख रहे हैं टेक्निकल थ्रो। सैमसंग काफ़ी रेपुटेटेड ब्रांड है और उनके यूजर्स को सैमसंग के ऊपर विश्वास है, तो इसी बात को सच साबित करते हुए सैमसंग ने अपने सभी नोट सेवन यानी करीबन उन्होंने बताया कि 3 मिलियन नोट सेवन पूरी दुनिया में उन्होंने सोल्ड किए थे, मार्केट में अवेलेबल थे। उनमें से 96% उन्होंने वापस मंगवा लिए हैं, और उन्होंने अपने जो अपने यूजर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हुए ये कदम उठाया है, जिसके कारण सैमसंग को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बट उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने यूजर्स की सिक्योरिटी है और अपनी रेपुटेशन है, तो इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और बात करें अगर सैमसंग नोट सेवन की, तो जब नोट सेवन मार्केट में आया था तो बहुत बड़े धूम मचाने के लिए आया था। उसमें काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स थे जो कि अन्य स्मार्टफोन में नहीं थे। वो नहीं, ये पहला एक ऐसा स्मार्टफोन था जो नए फीचर्स लेके आया था, जैसे कि अपन बात करते हैं आयरिस स्कैनर की या अन्य बहुत भी। अगर ये नोट सेवन अभी तक मार्केट में होता या सक्सेसफुल रहता तो ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन होता मार्केट पर में। दोस्तों दोस्तों जैसे सैमसंग नोट सेवन सुर्खियाँ बटोरते हुए आया था, वैसे ही सुर्खियाँ बटोरते हुए वापस भी चला गया। और सैमसंग ने इसके लिए जो रिपोर्ट जारी की है तो उसमें उन्होंने बताया है कि सैमसंग के नोट सेवन की डिज़ाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, असल प्रॉब्लम उसकी बैटरी में थी। तो उन्होंने बताया कि जो सैमसंग की नोट सेवन की बैटरी थी उसके अंदर बैटरी का जो पाउच था वो उसके लिए सफिशेंट नहीं था, और उसके कारण एक साइड से उसके इलेक्ट्रोड बैंड हो रहे थे और एक दूसरे टकरा रहे थे, उसके कारण ही जो अपने जो बैटरी से रिलेटेड इश्यू है वो पैदा हो रहे थे और ब्लास्टिंग स्टार्ट हो गई। तो इससे निपटने के लिए सैमसंग ने एक अपने रिकवरी भी सेंड की थी, बट दोस्तों क्योंकि वो रिकवरी भी इमरजेंसी में जल्दबाजी में सेंड की गई थी तो उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम थी और वही ब्लास्टिंग की प्रॉब्लम उसमें भी देखने को मिली। तो फिर अंततः सैमसंग ने अपने सभी नोट सेवन मार्केट से वापस मंगवा लिए। दोस्तों इसके साथ ही सैमसंग ने यह भी बताया कि सैमसंग नोट सेवन की प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए उन्होंने 700 साइंटिस्ट की एक टीम बनाई, जिन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की और अपने को ये रिजल्ट बताया कि किस तरह नोट सेवन ब्लास्ट हुआ था, क्या इसका पीछे का कारण था। उसके लिए उन्होंने करीबन 2 लाख नोट सेवन को यूज़ में लिया और इसके साथ ही 30,000 बैटरीज के ऊपर रिसर्च की और हमें ये रिपोर्ट प्रोवाइड की। और ये रिपोर्ट जो सैमसंग ने जारी की है ये काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पास की गई कि वास्तव में यही हुआ था, और उसके बाद में जब फाइनली सब कुछ कंफर्म हो गया कि हाँ यही मेन कारण था तो ये रिपोर्ट जारी की गई है। यानी ये रिपोर्ट बिल्कुल सच है। और दोस्तों अगर बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग को एक बहुत बड़ा थैंक है कि उन्होंने अपने यूजर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर अपने सभी नोट सेवन वापस मार्केट से मंगवा लिए, क्योंकि सैमसंग ने ये जो नोट सेवन लॉन्च किया था इसने काफ़ी इतना कुछ ज़्यादा किसी लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाया था। ये सबसे बड़ा नुकसान सैमसंग को ही हुआ है। सैमसंग ने इतने बड़े क्षेत्र से मतलब पूरी दुनिया से अपने नोट सेवन को वापस मांगा तो सैमसंग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बट उन्होंने अपने इस सैमसंग नोट सेवन से बहुत ज़्यादा सीखा है और उन्होंने अपने जो सिक्योरिटी टर्म्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। आगे वो काफ़ी एडवांस फीचर अपने बैटरी की टेस्टिंग में उन्होंने ऐड किए हैं, और आगे उन्होंने काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर अपने अपने स्मार्टफोन के लिए, और इसीलिए सैमसंग S8 है उसकी लॉन्चिंग में देर हो रही है, क्योंकि वो उसको पूरी फुली तरह अपने टेस्ट करके फिर लॉन्च करेंगे ताकि आगे उसको उसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम ना देखने को मिले। और आगे भी आपको जो सैमसंग के स्मार्टफोन देखने वाले हैं उसमें हो सकता है कि आपको ऐसी जो प्रॉब्लम्स हो दोबारा ना देखने को मिले, क्योंकि अब जो सैमसंग की जो टेस्टिंग की जो प्रोसेस है उसको उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है और अच्छे से उनको टेस्ट किया जाएगा स्मार्टफोन को लॉन्च करने से पहले। तो दोस्तों क्योंकि सैमसंग ने इतना बड़ा कदम उठाया है, इतना ज़्यादा नुकसान उठाया है अपने नोट सेवन से और अपनी गलती को स्वीकार भी किया है, तो सैमसंग को एक ह्यूज अपने जो है सैल्यूट डिजर्व करता है। उन्होंने इस तरह से पूरे अपने नोट सेवन को वापस मंगा के उसको जो उसकी प्रॉब्लम्स को फाइंड कर लोगों को बताया, अपने जो अपनी फॉल्ट थी उसको बताया कि हाँ हमारी गलती थी। तो ये सभी चीज़ें देख के तो सैमसंग एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, और क्योंकि मैं सैमसंग का खुद स्मार्टफोन यूज़र हूँ तो मुझे पता है कि मुझे अन्य स्मार्टफोन फोन से क्यों
क्या क्या अच्छे फीचर्स इनके अंदर मिल रहे हैं। दोस्तों सैमसंग के लिए लोगों के दिलों में जो प्यार था वो आज भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे सर्विस किए गए नोट 7 के फेलियर के बाद में, तो लोग अभी भी सैमसंग के वैसे ही चाहने वाले हैं, वैसे ही सैमसंग के स्मार्टफोन को परचेज कर रहे हैं और उनके साथ बने हुए हैं जैसे पहले थे। और उस समय जब नोट 7 की फेलियर हुई थी तो थोड़ा मार्केट डाउन चला गया था सैमसंग का, बट अभी भी सैमसंग अपने स्मार्टफोन ब्रांड के रैंकिंग में टॉप पे है, एक नंबर पे है, तो आगे भी ऐसे ही वो बना रहे, अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स और अच्छे अच्छे फीचर्स हमें प्रोवाइड करता रहे। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही सैमसंग के अच्छे फ़ोन देखते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप सैमसंग की जो ऑफिशियल वीडियो उन्होंने जारी की थी नोट 7 के बारे में वो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों आगे भी आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को नीचे रेड कलर के दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे ऐसी अपडेट्स, टेक वीडियोस मिलती रहे, नया कुछ सीखने को मिलता रहे। और अगर आपका अन्य किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या कोई मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल कुछ भी हो तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।